शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम सरकारी मुलाजमीन वफाकी और ख़ास तौर पे सूबाई और सूबाई मुलाजमीन से भी ख़ास तौर पे पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके लिए मेरा ये स्पेसिफिक वीडियो मैसेज है। एक तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, दूसरा रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आप शेयर कर दीजिए तक के तमाम साथी लेटेस्ट अपडेट से आगाह हो सके। 15 मार्च 2021, जैसा कि आपको पता है, पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, और लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स जो हमारे साथ अलायंस में शामिल भी थी, 10 फरवरी के प्रोटेस्ट में शामिल थी, उनका प्रोटेस्ट पंजाब में डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। डेफिनेटली जितनी भी अलायंस में बाकी तंजीमें थीं वो एट दैट टाइम उनके साथ शामिल नहीं थी। कुछ हमारे अलायंस में दीगर साथी जो 10 फरवरी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा थे और मुश्तरका एहतजाज किया था, बदकिस्मती से उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ डेटें जो हैं अनाउंस कर दी गई। रीज़न बेस्ट नोन टू द लीडर्स। आज 15 तारीख के हवाले से भी हमारे एपका के साथी खालिद जावेद संघेड़ा साहब और जबकि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो एपका के दूसरे साथी भी और टीचर कायदीन भी हैं, उनकी तरफ से 18 तारीख की डेट जो है अनाउंस की गई है। मुसलसल रबते में उस साथियों से, और अभी मीटिंग मैंने उनकी कोआर्डिनेट करवाई है, तमाम जो डिफरेंट डेट्स के ऊपर साथी हैं इंशाल्लाह ताला उनकी मीटिंग हो जाएगी। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से जो साथी ये कह रहे थे कि पंजाब ने इनकार कर दिया है, आज लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के साथ मीटिंग थी वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब की, उसके अंदर ये मामला ज़ेरे गौर आया है। फाइनेंस के साथियों के साथ उन्होंने रब्ता किया है, जो फाइनेंस की उनकी टीम है उन्हें कम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसके हवाले से नहीं थी। कल 1 बजे का उन्होंने दोबारा से टाइम लिया है और किसी भी जगह पे मुज़ाकरात के अंदर इनकार कर दिया है कि पंजाब के अंदर मुलाजमीन को ये रिलीफ देने के लिए नहीं जा रहे। तो एक दफा फिर आर यू के तमाम साथी, कुछ साथियों का ये भी कहना है कि बाजवा साहब बड़ा स्लो चल रहे हैं और मामलात ऐसे नहीं हैं। आज की जो मीटिंग हुई है, हमारे एपका के साथी भी थे बीच में, टीचर्स के भी थे, काशिफ शहजाद चौधरी साहब थे भी थे अलायंस में शामिल, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के। अगर आज इनकार कर दिया जाता तो डेफिनेटली हम इसको पंजाब की तरफ से क्लियर कट इनकार समझते। कल मीटिंग है, पॉजिटिव चीज़ें सामने आएंगी। अगर कल भी चीज़ें देखें मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें खुल के सामने आएंगी, और कल के हवाले से भी अगर कोई चीज़ क्लियर कट सामने नहीं आती और अगर इनकार किया जाता है, मैं बार बार अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी लेवल से इनकार किया जाता है तो फिर हम अपनी प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी देंगे, और प्रोटेस्ट में इंशाल्लाह ताला मुश्तरका धरने की स्ट्रेटजी हम अनाउंस करेंगे, और ये एक मुश्तरका डेट अनाउंस होगी। जो साथी पंजाब के मुलाजमीन हैं अपनी तैयारी रखें, इकट्ठे रहें। मैसेज है, वफाक भी नहीं मान रहा था और मुसलसल एक जिद्दोजहद के बाद वफाक के मुलाजमीन का भी नोटिफिकेशन हुआ है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है वफाक की जानिब से, गई है एक डायरेक्शन जिसके ऊपर सूबे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। अगर नहीं करते तो फिर इनकार की बहुत सी सूरतें हैं कि आप सूबे वफाक को लिखेंगे हमारे पास बजट नहीं है, ये मामलात हैं या कुछ हैं, अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी सामने ही नहीं आई है।
तो साथी इस मैसेज को शेयर भी कर दें। तमाम वफाकी मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं सूबों में, इंशाल्लाह ताला अगर मैदान सजाना पड़ा, नौबत आई, तो वफाकी हकूमत को भी हमने घुटने टेकने पे मजबूर किया और अपना हक हमने छीन के लिया है। सूबाई हकूमत भी अगर गलती करती है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भर के मुलाजमीन, जो एक ख़ास मखसूस ग्रुप है जो तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, अलहदा से डेटे अनाउंस कर रहा है और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए ख़ास तौर पे मैसेज है कि मुलाजमीन इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे रहेंगे, और किसी भी सूरत में मुलाजमीन के हकूक के ऊपर सौदाबाजी किसी को नहीं करने दी जाएगी। 10 तारीख से बड़ा मैदान सजेगा, एक मोबिलाइजेशन है, मोटिवेशन है मुलाजमीन में, और एक आगाही आ चुकी है मुलाजमीन में कि अपने हक के लिए बाहर निकल के आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुलाजमीन को उनका हक मिलेगा। मैडम रुखसाना से अभी मेरी बात हुई है, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स पुरुमीद हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर जा रही हैं चीज़ें। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा से मुज़ाकरात का राउंड है 1 बजे, और अगर ज़रूरत पेश आती है कोई मामलात, अगर कल क्लियर कट इनकार हो जाता है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर क्लियर कट इनकार करते हैं मुज़ाकरात में, तो पंजाब में जाके एक मुश्तरका डेट अनाउंस करेंगे और मुलाजमीन भी देखेंगे। तारीख में ये लिखा जाएगा कि वफाकी मुलाजमीन सूबाई मुलाजमीन के शाना बशाना खड़े हुए और उनको उनका हक बिल्कुल उस तरह से दिलवाया वफाकी मुलाजमीन ने, उस तरह से दिलवाएंगे जिस तरह से सूबाई मुलाजमीन शाना बशाना वफाक के मुलाजमीन के साथ खड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबाई कायदीन के साथ कोऑर्डिनेशन में है, हर चीज़ का एक टाइम है। अपग्रेडेशन जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ, प्रोसेस में है, मगर इसका हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि अपग्रेडेशन नहीं हो रही। तो मुलाजमीन से दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, नेगेटिविटी कोई साथी फैला रहे हैं तो सिर्फ उनसे इतना पूछें कि क्या आप लोग उस दिन एहतजाज में थे जो कायदीन 10 फरवरी को वफाक में आंसू गैस का मुजाहरा, जो उन्होंने सामना किया, तमाम चीज़ें थी। लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स सैकड़ों की तादाद में तंजीमें थीं, नाम बार बार वही बात आती है कि एक लंबी लिस्ट है, तमाम अपने कायदीन से राबते में रहें। मैं खुद राबते में हूँ सुल्तान मुजद्दी साहब से, एपका की भी जितनी तंजीमें हैं उनके साथ भी, अलायंस में दीगर टीचर यूनियंस जितनी भी हैं उनके साथ भी, अभी उनकी भी मीटिंग हो रही है, बल्कि स्टार्ट हो चुकी होगी मुश्तरका डेट के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मुलाजमीन हौसला रखें मगर अपनी तैयारी भी रखें, अगर 1% भी नज़र आया या हमें कोई इस तरह के मामलात नज़र आते हैं तो हर सूबे के अंदर मैदान सजेगा और आपका भाई शाना बशाना आपके साथ मौजूद होगा। तमाम वफाकी कायदीन, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वफाकी कायदीन और वफाकी मुलाजमीन भी सूबाई मुलाजमीन के शाना बशाना खड़े होंगे, और इंतज़ामिया की जानिब इंतज़ामिया को भी मेरा ये मैसेज है कि खुदारा होश के नाखून लें। 10 फरवरी से पहले भी मैं बार बार ये बात कर रहा था, समझ नहीं आई इंतज़ामिया को, और 10 तारीख को फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से मुलाजमीन ने अपना हक लिया। सूबों को क्लियर कट डायरेक्शंस दी हुई हैं, सूबे उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि अमल दरामद हो रहा होगा। किसी ने भी मुलाजमीन के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के ऊपर गलत नज़र रखने की कोशिश की तो इसके तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई मुलाजमीन की मेहनत स्ट्रगल ये तो होगी होगी, और नतायज गलत सामने आते हैं तो सूबाई हकूमत की जिम्मेदारी होगी इसके ऊपर, और इसके साथ साथ वफाकी हकूमत की भी जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने लाइजान नहीं किया है सूबाई हकूमतों के साथ।
तो एक दफ़ा फिर मुलाजमिन से दरख्वास्त हैं, इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें, इस मैसेज को कन्वे करें। कल सुनने में आ रहा है, अभी मेरी बात हुई मैडम से भी, लेडीज हेल्थ वर्कर्स के मसाइल के ऊपर भी, और 25% का जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है जो मुलाजमीन ने अपने जोरे बाजू पे हासिल किया है, सूबाई मुलाजमीन की क्यादत ने सूबों को डायरेक्शंस दी हैं, इंशाल्लाह ताला इसको कोई हाईजैक नहीं कर सकता और कोई इसके ऊपर शब खून नहीं मार सकता। तमाम मुलाजमीन तैयारी रखें, इन केस अगर ना होती है तो तारीख गवाह रहेगी। ये मेरे आज के अल्फाज हैं, जो साथी मुझे जानते हैं आपको पता है कि जो मैं बात करता हूँ उसके ऊपर अमल दरामद भी करता हूँ और खड़ा रहता हूँ। इंशाल्लाह ताला सूबाई मुलाजमीन के साथ खड़े हैं, अपनी बहनों लेडीज हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़े हैं, और एक मुश्तरका डेट इंशाल्लाह ताला सामने आएगी इस सूरत में कि अगर कोई इनकार होता है तो मुलाजमीन इत्तफाक का मुजाहरा रखें, इकट्ठे रहें, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखें। ख़ास तौर पे अपग्रेडेशन के हवाले से वफाकी मुलाजमीन के बताता चलूं कि प्रोसेस में है और मुकम्मल होने के नज़दीक नज़दीक हैं। इस वक्त मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि दुकानदार दुकानें चमकाएंगे, मेरी बात पे यकीन रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 10 से 15 रोज़ के अंदर अंदर पॉजिटिव चीज़ें अपग्रेडेशन के हवाले भी सामने आ जाएंगी, बल्कि मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो एक दफ़ा फिर तमाम मुलाजमीन का बहुत शुक्रिया। अपने सूबाई कायदीन जो 10 तारीख को एहतजाज में आए थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, जो साथी जहाँ पे यूनियंस एसोसिएशंस नहीं हैं इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप लोग भी कॉल का इंतज़ार करें। 18 तारीख को एक फिर एहतजाजी मुजाहरा है और उसके अंदर मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर भी हो रहा हूँ, और उससे पहले पहले मुझे उम्मीद है कि तमाम मामलात हल हो जाएंगे। बसूरत दीगर 18 तारीख को लाहौर में मैं आ रहा हूँ। तमाम वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, रेलवे के, वापडा के, AGPR के, पोस्ट ऑफिस के, ये वफाकी मुलाजमीन हैं जो लाहौर में हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है 18 तारीख को आप सिविल सेक्रट्रिएट में पहुँचें, एहतजाजी मुजाहरा होगा और इंशाल्लाह ताला तमाम सूबाई कायदीन के साथ मिल के अगर कोई पेशरफ नहीं होती तो हम धरने की डेट अनाउंस करेंगे और उसके ऊपर अपनी लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के भी मामलात इंशाल्लाह ताला हल करवाएंगे। अगर उसमें ये डिले करते हैं और 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का भी हम इंशाल्लाह ताला हर हाल में मुलाजमीन को रिलीफ दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया।